काजल अपने पति दीपक से फोन पर बात कर रही होती है। कुछ देर बाद बात करने के बाद जब काजल अपने पति का फोन रखती है तो वो खुद से कहती है, इन्हें ये सब कितना आसान लग रहा है, मुझे यहाँ अकेले भेज दिया माँ जी को मनाने कि वो हमारी शादी स्वीकार कर ले, खुद तो आए नहीं मार के डर से, ना जाने मेरी सास कैसी होंगी। काजल खुद से बातें करते हुए अपने पति के बताए हुए एड्रेस पर जाती है। वहाँ उसे सरला नाम की एक औरत मिलती है और काजल उनसे बोलती है, माँ जी नमस्ते, आज तक आपके बारे में मैंने बहुत सुना ही था, आज आपके दर्शन भी हो गए। अरे अरे ये क्या है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ तो तुम मेरे गले क्यों पड़ रही हो, और कौन हो तुम ये बताओ पहले, यहाँ कैसे आई हो। माँ जी मैं आपकी बहू हूँ, वो दीपक जी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो आपको सब सच बताने से डर रहे थे इसीलिए मैं आई हूँ, और आपको तो पता ही है वो काम से बाहर गए हैं। अरे मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा बेटा मुझसे कोई बात छुपाएगा, तू झूठ बोल रही है। माँ जी मैं सच बोल रही हूँ, उन्होंने मुझसे शादी भी की है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद उनसे पूछ लेना जब वो वापस घर आएंगे, लेकिन आप मेरा यकीन करो मैं सच बोल रही हूँ। दीपक तो हर समय घर से बाहर ही रहता है, क्या पता सच में उसने एक लड़की से शादी कर ली हो, मुझसे बोला ना जा रहा हो तो अब अपनी बीवी को भेजा हो उसने। माँ जी क्या हुआ, आप कोई जवाब नहीं दे रही, मैं सच बोल रही हूँ माँ जी, मेरी बात पर यकीन करो। अरे बिन बुलाई बहू है, मेरे कितने अरमान थे कि मेरी बहू आएगी तो मैं उसके लिए पूरा घर सजाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन बिन बुलाए बराती की तरह तू बिन बुलाई बहू आ गई। माँ जी अब तो आपकी बहू आ ही गई है ना, तो अब आप अपने सारे अरमान पूरे कर लो, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगी, आपको जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही बहू बनूंगी, आपको आज नहीं तो कल मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार तो करना ही होगा ना। नहीं मैं बिन बुलाई बहू को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी, जब शादी करते वक्त तुम दोनों ने मुझे कुछ बताना या पूछना जरूरी नहीं समझा तो अब मेरी राय मायने नहीं रखती है। नहीं माँ जी ऐसा नहीं है, हमारे लिए आपकी राय बहुत ज्यादा मायने रखती है। मुझे यही लगता है कि तू झूठ बोल रही है, मेरा बेटा अगर कुछ भी ऐसा करता तो मुझे बताने खुद आता, ना कि अपनी बीवी को भेजता। सरला बहू के आ जाने से बहुत ही हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसे जाने के लिए नहीं कहती है, क्योंकि दो दिन के बाद तो सरला का बेटा आ ही जाना था, और जब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, इसीलिए सरला काजल को घर से बाहर नहीं निकालती है। उसी शाम सरला अपने घर में बैठी होती है, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन विमला आ जाती है और बोलती है, अरे सरला तेरा तो एक ही बेटा है, वो भी अच्छा खासा कमा रहा है, तो तुझे क्या जरूरत पड़ गई ऐसे छुप छुपा कर शादी करने की, अरे अपने बेटे की धूमधाम से शादी करती। अरे काहे की बहू और काहे की शादी, मुझे तो बहू के नाम पर झटका मिला है। झटका मिला क्यों, तेरी बहू करंट देती है क्या जो तुझे इतने झटके मिल रहे हैं। बिन बुलाए बहू घर में आएगी तो बिजली के झटके तो लगने ही हैं, तो अब वही मेरा हाल हो रहा है, जान ना पहचान और अचानक से घर में आकर बोल रही है कि मैं आपकी बहू हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो तूने किसी अनजान लड़की को अपने घर में रखा ही क्यों है, अभी तो तेरा बेटा भी नहीं है, क्या पता चोरी चकारी के इरादे से आई हो तेरे घर में। ये बात तो पहले मैंने भी सोची थी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उसका स्वभाव अच्छा लगा, मतलब कोशिश बहुत कर रही थी, और उसने अब तक जो कुछ बताया वो सब सच ही था, तो मुझे लग रहा है कि वो सच ही बोल रही होगी, बस इसलिए उसे घर से बाहर नहीं निकाला मैंने। तेरी बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी जरा ध्यान रखियो, आजकल लोगों का भरोसा नहीं है। परेशान तो मैं भी बहुत हो गई हूँ, घर में बिन बुलाए बहू आ गई है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि सच में ये मेरी बहू है या नहीं, या ये सब बस एक झूठ ही है, कुछ भी नहीं पता। तो अपने बेटे को तो जल्दी बुला ले, कल आने से अच्छा है वो आज ही आ जाए। मैं तो अभी ही बुला लूं, लेकिन उसका फोन ही कहां लगता है, ये मेरी बिन बुलाई बहू ऐसे ही बैठी रहती है पति की याद में, अगर फोन लग पाता तो अब तक सारा मामला सुलझ चुका होता। कोई बात नहीं, जल्दी से सारी बातें सामने आ जाएंगी, तू चिंता मत कर, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू मुझे बता दियो, मैं आ जाऊंगी, ठीक है ना। सरला अपनी बिन बुलाई घर आई बहू से थोड़ा परेशान हो रही थी, क्योंकि काजल बार बार उसके पास जाती और मनाने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह सरला अपने कमरे में सो रही होती है कि वहाँ पर काजल चाय नाश्ता लेकर आती है, अपनी सास के कमरे में जाती है और बोलती है, माँ जी उठिए और ये देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है, आज खास आपके लिए मैंने इतना अच्छा खाना बनाया है,
चलिए अब जल्दी से चाय नाश्ता कर लो, मेरे ससुराल में ये पहली रसोई है मेरी। तुझे सुबह ही मिली थी क्या खराब करने के लिए? एक तो तू बिन बुलाए पहले मेरे घर में आ गई, ऊपर से अब बिन बुलाए रसोई में भी कब्जा कर रही है। तुझसे एक जगह टिका नहीं जाता क्या? माँ जी आपको अच्छा लगे इसीलिए तो मैं रसोई में खाना बनाने गई थी। मुझे दीपक जी ने बताया था आपको अच्छे अच्छे खाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैंने आपकी पसंदीदा चीजें ही बनाई हैं। अच्छा आज तक तो दीपक कभी मेरे साथ बैठकर दो वक्त की रोटी तक नहीं खाता था, और अपनी बीबी को बताने के लिए मेरी सारी पसंद नापसंद चीजें उसे पता है। माँ जी आप मानोगी नहीं लेकिन दीपक जी तो हर समय आपके बारे में ही बात करते रहते थे। उन्हें आपकी छोटी छोटी बातों की खबर थी और मुझसे शादी करते हुए भी यही बोल रहे थे कि मेरी माँ को बस खुश रखना। अच्छा वो मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचता है, लेकिन आज तक तो मुझसे उसने सीधे मुँह तक बात नहीं करी। तू मेरे बेटे दीपक के बारे में ही बता रही है ना, या किसी और दीपक के बारे में बता रही है? माँ जी मैं आपके बेटे और मेरे पति दीपक के बारे में ही बात कर रही हूँ। उन्होंने ही तो मुझे यहाँ भेजा है कि मैं आपका दिल जीत सकूँ, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बिन बुलाई बहू के आने से तो ऐसा लग रहा है मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, वो मुझे अब पता चला है। अब जल्दी से दीपक आ जाए और साफ साफ पता चल जाए कि ये सच में मेरी बहू है या नहीं। सरला और काजल दोनों बातें कर रही होती हैं। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। अगले दिन सरला का बेटा दीपक आ जाता है। दीपक के आते ही सरला काजल से बोलती है, ले आ गया दीपक, अब सारी बातें साफ हो जाएंगी। माँ जी मुझे तो नहीं दिख रहा दीपक जी कहाँ है। माँ ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो? नहीं। दो दिन से तूने मेरे घर पर डेरा डाल रखा है और बोल रही थी कि दीपक से पूछ लेना, दीपक से पूछ लेना, और अब जब दीपक आ गया है तो पहचान भी नहीं रही है। माँ जी ये मेरा पति दीपक नहीं है। माँ ये क्या हो रहा है? अरे मैं आपसे बिना बताए शादी थोड़ी कर सकता हूँ, इतनी हिम्मत थोड़ी है मेरे अंदर। अब तक तू हमसे झूठ बोल रही थी ना, रुक मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं माँ जी मुझे मेरे पति दीपक ने इसी घर का पता दिया था, एक मिनट मैं फोन करती हूँ उन्हें। काजल अपने पति दीपक को कॉल लगाती है तो उसे पता चलता है कि वो गलत घर में आ गई है, तो काजल बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं बिन बुलाए ही आपकी बहू बनकर दो दिन से आपके घर में रह रही हूँ, वो थोड़ी गलत फहमी हो गई, ऊपर से मेरा पति और आपके बेटे का नाम भी दीपक ही था। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, दो दिन तू मेरे घर में रही लेकिन मुझे तेरे साथ अपनापन लगा। सरला की बिन बुलाई बहू वापस चली जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। दीप्ति गरीब परिवार में रहने वाली समझदार स्वाभिमानी और मेहनती लड़की थी। वो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में बतौर सफाई कर्मचारी काम करती थी। उसके काम को लेकर अक्सर लोग उसे घृणा की नजरों से देखा करते थे, यहाँ तक कि उसके आस पड़ोस के लोग भी उससे दूरियाँ बनाकर रखते थे जैसे वो कोई अछूत हो। लोगों का ये व्यवहार दीप्ति के मन को बहुत चुभता था, पर वो इसे नजरअंदाज कर अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करती थी। ऐसे ही एक दिन हॉस्पिटल में, दीप्ति आयो दीप्ति, ये पेशेंट नंबर 11 की बेडशीट और वार्ड नंबर 10 को क्लीन कर दो, वो भी फटाफट। जी मैम बस आ गई। दीप्ति वार्ड नंबर 10 में हाथ में पोछे की बाल्टी लिए पहुंचती है कि अचानक उसका पैर फ्लोर पर पड़े केले के छिलके पे पड़ जाता है और वो फिसल कर धड़ाम से गिर जाती है और बाल्टी उड़ते हुए एक पेशेंट सुजाता के मुंह पर अटक जाती है और सारा गंदा पानी उसके ड्रेस पर गिर जाता है और कोई उसकी मदद को नहीं आता। दीप्ति उसके सर से बाल्टी उठाती है। माता जी मुझे माफ कर देना, गलती हो गई। आए, अरे सर फोड़ दिया मेरा, छी छी। अरे माता जी गुस्सा मत होइए, पता नहीं कैसे उस छिलके पर पैर पड़ गया और ये हादसा हो गया। अरे तुम जैसे लोगों को मुझे अच्छे से सबक सिखाना आता है, इतनी बदबू, अरे बुलाओ डॉक्टर को, इसको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ, मुझ पे पोछे का पानी गिराया। अयो अयो अम्मा गलती से हो गया, माफ कर दो ना इसको।
ची ची आए हाय सफाई वाली ने छुआ कैसे मुझे, हे भगवान पूरा पवित्र कर दिया मुझे, हाय पापन दूर हट। माताजी कैसी बातें कर रही है, आखिर हम भी इंसान हैं, हमारी भी कोई इज्जत होती है। हाय इन जैसों की इज्जत, मुझे लेक्चर देगी। सुजाता दीप्ति की कंप्लेंट कर देती है जिसके कारण उसे मैटरनिटी हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। दिन बीतते जाते हैं, दीप्ति का घर आर्थिक संकट से जूझने लगता है। अपने परिवार को इस मुसीबत से निकालने के लिए दीप्ति रोड पे झाड़ू लगाने, कूड़ा उठाने और नाली साफ करने का काम करने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन बहुत ज्यादा कोहरा होता है, पर फिर भी वो अपना साफ सफाई का काम कर रही होती है। तभी एक बाइक सवार उसे टक्कर मार देता है जिसमें उसे हल्की चोट भी आ जाती है। अरे भैया आंखें खराब हैं क्या आपकी? अरे हद करते हैं, इतनी बड़ी लड़की नजर नहीं आती। माफ करना मोहधर्मा, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? दिख नहीं रहा आपको। ओह कितनी ज्यादा लग गई, चलिए पास में ही क्लिनिक है। जी इतनी भी नहीं लगी, ठीक हूँ मैं। तभी आसपास मौजूद कुछ लोग दीप्ति को नीचा दिखाने के लिए उस पर ताने कसने लग जाते हैं। हाय छी छी, नाली साफ करने वाली लड़की को छू दिया, छी छी कैसा लड़का है ये। देखो यूँ उदास देख रोहन को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें करारा जवाब देने लगता है। अरे इनसे घिन करते हो जो हमें स्वच्छ वातावरण दे रहे हैं, हमें तो इनका सम्मान करना चाहिए, पर आप जैसे गंदी सोच रखने वालों को क्या ही कह सकते हैं। काश आपके दिमाग से भी इस भेदभाव की गंदगी को साफ करने का कोई भी तरीका होता। रोहन की बातें सुन लोगों के मुंह पर ताले लग जाते हैं और सर शर्म से झुक जाता है। इस तरह रोहन की बातें दीप्ति के मन को भी भा जाती हैं। वहीं रोहन उसके काम की प्रशंसा कर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं, दीप्ति की एक दूसरे हॉस्पिटल में नौकरी लग जाती है। ऐसे ही एक दिन हॉस्पिटल में पोछा लगाते लगाते उसे चक्कर आने लगते हैं और वो पास में ही खड़ी नर्स मधुरिमा अय्यर को पकड़ लेती है। अयो कैसा है सर, दीप्ति झाड़ू लगाने वाले तुमने मुझको टच किया, हाय हाय दो रटो जल्दी दो रटो। दीदी वो चक्कर आ गया था, माफ कर दीजिएगा, अब नहीं होगा। तुझसे कितनी बार कहा है दूर आ कर मुझसे, छी छी दोबारा मेरा इर्द गिर्द नजर मत आना गंदे लोग। नर्स के इस व्यवहार से दीप्ति की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और अपने हॉस्पिटल में हो रहे इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को देख नर्स को खरी खरी सुनाते हैं। नर्स ये क्या तरीका है बात करने का, अभी के अभी माफी मांगिए दीप्ति जी से। अयो सर पर ये तो एक मामूली सा सफाई वाले है, इसके लिए आप मुझसे बोल रहे हैं? मैं को छुआ कैसे, मेरे को ऐसे लोगों से बहुत घृणा था। और मुझे तुम्हारी सोच से, ये तो वॉरियर है हमारे हॉस्पिटल के, इनकी वजह से हम सब आज स्वस्थ हैं। अगर ये स्वच्छता का ध्यान ना रखे तो हम ना जाने कितनी बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। अगर आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल मत कीजिए। एंड लिसन दिस इज माई लास्ट वार्निंग फॉर यू। ओके ओके सर मैं सब समझ गया, दोबारा ये नहीं होगा सारे दीप्ति। समय बीतता जाता है, एक भयंकर वायरस शहर में दस्तक देता है जो एक महामारी का रूप ले लेता है जिसके कारण सभी लोग अपने घरों में कैद हो जाती हैं। हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद बढ़ने लगती है। ऐसे में इस वायरस की चपेट में बहुत से स्वास्थ्य कर्मी भी आ जाते हैं। नर्स मधुरिमा अय्यर भी इस महामारी की चपेट में आ जाती है, उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है, कोई भी उसके आसपास नहीं आता।
अयो मेरा राम कृष्ण मुर्गन कोई तो कुछ करो। ए भगवान कितना दर्द हो रहा है मुझे, आए इतना गंदा हो गया। अरे रुकिए मैं आती हूँ। दीदी चिंता मत करो, आप बस पीछे लेट जाइए। अयो मुर्गन हम कितना गलत था जी, तुम तो मेरा इस महामारी में भी साथ दे रही हो, जब अपना भी दूर हो गया, कितना बड़ा भगवान जैसा है तुम सच्ची। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, बस आप चुपचाप आराम कीजिए, होता है जिंदगी में कभी कभी ऐसे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ रोहन इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी माँ सुजाता के साथ आ जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि उसकी माँ और उसे भी महामारी हो गई है। डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उन्हें क्वारंटाइन कर देते हैं। सभी उनसे अछूतों जैसा व्यवहार करते, लेकिन दीप्ति उनका खूब ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं। रोहन को दीप्ति से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। ऐसे ही एक दिन बीच रोड पर हाथों में गुलाब लिए रोहन उसे प्रपोज कर देता है। सुनिए दीप्ति जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जी जी मुझे कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन क्या आपकी माँ एक सफाई वाले को बहू मानेंगी? बोलो। आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें मना लूंगा। रोहन अपनी माँ को शादी के लिए मना लेता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। उनकी शादी के कुछ समय बाद ही सरकार दीप्ति को स्वच्छता वॉरियर के नाम से सम्मानित करती है। तो देखा दोस्तों, कैसे हमारी सफाई वाली बहू ने समाज की हर तरह की गंदगी को साफ किया। क्या आपने भी कभी सफाई की है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। मनोज अपनी माँ मीना और पिता केशु के साथ कचरौली गांव में रहता था। वो अच्छे पैसे कमाने के लिए गांव से बाहर शहर में काम किया करता था, जहां उसकी मुलाकात रीमा नाम की एक लड़की से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जल्द ही ये दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मनोज रीमा को अपनी पत्नी बनाकर गाँव ले आता है। गांव के आसपास के लोग शहरी बहू को देखने मनोज के घर आते हैं। अरे वाह मनोज बिटवा, का हो शहर से बहुरिया लाए हो? सुने राजकुमारी जैसी दिखत है। सुंदरता में तो कोई जवाब ही नहीं है तुम्हारी बहू का मीना। शहर से जो आई है मेरी बहू, पूरे बीए तक पढ़ाई की है। हाँ सिर्फ चेहरा ही खूबसूरत है या काम भी कर लेती है घर का? अपने पड़ोसन की ऐसी बातें सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है। मैं बताऊं, मेरी बहू सारे कामों में एक नंबर की है। खाना तो इतना स्वाद बनाती है कि अभी जुबान पे ही चढ़ा है। अरे अरे मम्मी, अरे अरे बस करो। अरे तू चुप बैठ। अरे ऐसी बात है तो कभी बुलाओ खाने पे, तब पता चले हम भी खा लेंगे सहेरी लोगन जैसा खाना। मीना सबके सामने बिना पूछे ही अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मीना ये सब सोचकर हिचकिचा ही रही थी कि उसने इतनी बड़ी बातें तो बोल दी, लेकिन उसने तो बहू से पूछा ही नहीं। अरे रीमा बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता तो है ना, सारी पड़ोसनों के सामने नाक कट जाएगी। अरे मम्मी, आपने ही इतनी तारीफ कर दी अपने आप, वो भी बिना जाने कि रीमा को खाना बनाने आता है या नहीं। अरे बेटा, वो सरला भी अपनी बहू की ऐसे ही तारीफ करती थी, तो मैं पीछे क्यों हटूं? हाँ। अरे मम्मी, आप कब समझोगे यार। माँ मनोज जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सबको संभाल लूंगी। मीना अपने कमरे में परेशान होकर इधर से उधर घूम रही होती है। बिना जाने मैंने बहू की इतनी तारीफ तो कर दी, पर पता नहीं बहू को खाना बनाना आता भी है या नहीं। तभी रीना अपनी सास मीना के पास उसके कमरे में आती है, जिसे देख
वो झट से बोलती है, अरे बहू सुनो तो, बड़ी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा किचन महक रहा है। बताओ तो सही, क्या बना रही हो? माँ जी, वो मैं मंचूरियन बना रही थी। बहुत अच्छा बहू, बनाओ बनाओ, कुछ सामान की जरूरत हो तो बता देना। हाँ जी माँ जी, वो मुझे धनिया नहीं मिल रहा था। धनिया तो अभी सरला के घर से मांग कर ले आती हूँ। हाँ, रीना वापस से किचन में काम करने चली जाती है और उसके वहाँ से जाने के बाद मीना सोचती है, क्या बोल गई, ये मंचूरियन है, ये कौन से खाने की चीज होती है, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना। अगर खराब बनाया तो गांव की औरतों को क्या ही पता चलेगा, बोल देंगे शहर का खाना है। सोचते ही सोचते मीना अपनी पड़ोसन सरला के यहाँ धनिया मांगने पहुँच जाती है। ओ सरला, क्या हुआ मीना? अरे थोड़ा धनिया चाहिए, मेरी बहुआ शहर वाला खाना जो बना रही है, पता है क्या बना रही है? मन मन चूरन ऐसे ही कुछ। ये कौन सी चीज है भला खाने की, मैंने तो नाम नहीं सुना इसका आज तक। जब मेरे घर आओगी ना बहू का खाना खाने तो समझ आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। अरे बाकी बातें बाद में, पहले थोड़ा धनिया तो दे दे। हाँ, सरला से धनिया लेने के बाद मीना वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ दूसरी पड़ोसन नीलू आ जाती है और कहती है, ये मीना काफी तारीफ करती है अपनी बहू की, आज रात देखा ही जाए कि कैसा खाना बनाती है कि सहेरी बहुरिया। धीरे धीरे शाम हो जाती है और ढलते वक्त के साथ मीना की हालात सोच सोच कर और भी ज्यादा खराब होने लगती है। सबके सामने अपनी बहू की इतनी तारीफ तो कर दी, लेकिन क्या बहू जो बना रही है उसका अभी तक पता नहीं। परेशान होकर मीना रसोई घर के बाहर खड़ी हो जाती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर खाने में क्या बन रहा है। काफी देर खड़ी होने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता, तभी वहाँ उसका बेटा मनोज आ जाता है। मम्मी आप चिंता मत करो, रीमा एक जिम्मेदार लड़की है, वो सब संभाल लेगी। हाँ माँ जी, आप आराम से बैठिए। बहू आज बस लाज रख लेना मेरी, वरना नाक कट जाएगी सबके सामने। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तभी वहाँ सरला और नीलू आ जाते हैं। अरे मीना, ओ मीना कहाँ हो? हाँ, आ गई बस। तभी वहाँ हाथों में शरबत का ग्लास लिए रीमा आती है। लो लो, ये लो, सब लोग शरबत पियो। वाह वाह मीना, शरबत तो बहुत ही अच्छा है। अब तो हमारी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। चलो शरबत तो अच्छा बना है, बस ऐसे ही खाना भी सबको पसंद आ जाए तो मेरी इज्जत सबके सामने और भी बढ़ जाएगी। हाँ, रुतबा होगा मेरा। तभी किचन से धुआं आने लगता है जिसे देखकर रीमा भागकर किचन में जाती है। नीलू और सरला धुआं देखकर आपस में बात करने लगती हैं। कहाँ हो मीना, इतना धुआं उठ रहा है, का जला हुआ खाना खिलाओगी हमका? हाँ हाँ, लगता तो यही है, देखो तो तुम्हारे किचन में से कितना धुआं आ रहा है। लगता है शहरी बहू ने पहली बार में ही खाना जला दिया सारा। मीना को नीलू और सरला की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। नहीं नहीं, अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, खाना जला नहीं सकती सच में। तो ये धुआं किस चीज का था इतना सारा? खाना रेडी है, सब लोग जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। हम लोग यहाँ जला खाना खाने नहीं आए हैं, पहले बता दे रहे हैं। हाँ, मैंने भी भरपेट खाना नहीं खाया दोपहर में। जब तुम्हें अच्छे से खाना बनाना नहीं आता था तो मुझे पहले बता देती, कम से कम सबके सामने मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। मम्मी आपने रीमा को बोलने का मौका ही कहाँ दिया था। अरे अरे रुकिए,
आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कौन सा खाना जल गया? अरे मैं तो स्मोकी राइस बना रही थी आप लोगों के लिए। देखा तुमने, मेरी बहू ने खाना नहीं जलाया, मैंने बताया था ना, ये धुआं कोई नया तरीका है, समझ में आया? ये स्मोकी राइस है? ये क्या होता है? हाँ जी आंटी जी, ये चावल बनाने का एक नया तरीका है, आप लोग एक बार खा के तो देखिए। रीमा सबको खाना ला कर देती है, सबको खाना बहुत पसंद आता है। वाह बेटा, क्या बात है, इतना स्वादिष्ट खाना। आहा, बहू किसकी है, अच्छे लगे स्मोकी राइस। इस तरह मीना की बहू रीना सबके सामने अपनी सास का सर फक्र से ऊंचा कर देती है, साथ ही उसकी सास को इस बात का भी एहसास होता है कि बिना जाने कभी भी किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि झूठी प्रशंसा से अपमान बढ़िया होता है। साथ ही हमारी शहरी बहू रीना अपने खाने और अपनेपन से सबका दिल जीत लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी शहरी खाने वाली बहू? क्या आपके आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।